अब इधर आते, ये हमारा है जी कौन सा टेक्सचर, स्टोनी टेक्सचर, स्टोनी रेड रेड। ठीक है, चलो अब उसके अलावा। अच्छा इधर मैं ना ये स्लैब जो है ना सेपरेट कर लूँ, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं इसको ना अलग अलग ही कर लूँ, मतलब कि ना मैं मम्मा के साथ ही ना इसको अंदर कट लगा दूँ, लेकिन ये कट्स नहीं लगेंगे, अब इसको हम ऐसे ही सेपरेट करेंगे। अब मुझे एकदम से इसको खींचना पड़ेगा, ये देखो कितने ज़्यादा छोटे छोटे चंक्स निकले जा रहे हैं, फ़ायदा है इसका। खैर अब मैंने इसको छेड़ी, अब ये थोड़ी सी ड्राई होती है ना, जो बड़े चंक्स हैं इसको सेपरेट कर देते हैं, बाकी जो मिनी चंक्स हैं ये क्रम्बल करते हैं। इधर कोशिश करती हूँ इसको छेड़ने की, पूरी स्लैब को ना हिलाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हिल जाएगी। लेट्स सी अब क्या होता है। ऐसे ही उतरनी है अब इसने, ऐसे ही टूट जाना। उसी टाइम ना नहीं लगाई कट्स, मैं भूल ही गई। अब ये देखो ना, ये वाले चंक्स निकले हैं, जो निकले हैं ठीक है। खप रही हूँ मैं तो कसम से, गुस्सा आ रहा है मुझे अब। चलो आगे चलते हैं और लास्ट क्रमलिंग करके फिर नीचे चलते हैं, मुझे लगता है साथ वाले भी आ चुके हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डर्ट जो है ना उसको पानी में भिगो के रख दी है, जैसे ही फ्री होंगे ना फिर उसको भी बना लेंगे।
और जो ज़्यादा गंदी गंदी वाली लग रही थी ना, जैसे ये ग्रे ग्रे थी, मैंने वो निकाल ही दिया। मैंने कहा नहीं ये नहीं मैंने डालनी इसमें ना, ये ना बिल्कुल वो है, गंदी भी नहीं है ये, जैसे हार्ड नहीं होती ज़्यादा ही, मुल्तानी मट्टी की तरह वैसे है ये। अच्छा इस टेक्सचर की बात कर रही थी आप, मेरे एक सब्सक्राइबर बात कर रही थी कि इस टेक्सचर को ना ज़्यादा से ज़्यादा क्रम्बल करो और बनाओ। यार मुल्तानी मिट्टी का टेक्सचर आप लोग कह रहे हैं कि उसकी क्रमलिंग करो, मुल्तानी मिट्टी का टेक्सचर जो है ना अभी बनाया नहीं है, पेस्ट नहीं किया अभी मैंने इसका। अगेन आज इसको धूप लग जाए फिर मैं ना शाम को इसका पेस्ट बना दूंगी, कल सारा दिन ये ड्राई हो जाएगा दो दिन में, तो फिर आपके लिए क्रमलिंग कर दूँगी जिनकी भी रिक्वेस्ट है, अगर नाम ना भी ले सकी तो ठीक है। चलो बस ठीक है इसको छोड़ो, आगे आगे कहाँ चलूँ। हाँ ये रेड मड निकाल देते हैं और वो वाली रेड डर्ट जो है ना इसमें बाउल में डाल देते हैं, ये काम कर लेते हैं साथ ही। चलो बाकी का ना आके देखूंगी, बाकी थोड़ा सा ग्रे कंक्रीट टेक्सचर है इसकी क्रमलिंग करते हैं, और प्योर सैंड की जो वीडियो रिकॉर्ड करनी थी वो तो हो नहीं सकी। बस शीट डालती हूँ टेक्सचर्स के ऊपर, आवाज आंदी हो मुझे भी कल तरोंका लगाया इन्होंने।
करें फिर ब्लॉग को एंड, यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर बाबा, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्लाह।